की जो ईद होती थी या बचपन में जो चांद रात होता था, मतलब वो चांद रात इतनी खुशी देता था कि कुछ पूछो मत। अजीबो गरीब सा खजाना, अजीबो गरीब सी बेतहाशा खुशी होती थी चांद रात वाले दिन। अब तो ये आलम है कि अगर पूरा खजाना भी मिल जाए तो शायद ही मन खुश हो और क्या। अच्छा ये खजाना है, मतलब ईद आ रही है, कल या परसों ईद है, लेकिन कोई खुशी नहीं है। कुछ जरा सा भी राय के दाने के बराबर भी दिल खुश नहीं है कि दिल खुश हो ना। और असली खुशी तो मतलब बचपन में होती थी। रात में उठ के मेहंदी चेक करते थे, सारे सूट अलमारियों पे लगा लेते थे, और उठ उठ के टाइम देखते थे, मेहंदी देखते थे, कलर चढ़ा के नहीं चढ़ा, बढ़िया। सुबह जल्दी जल्दी दोनों बहनें मिलके काम कर लेते थे, फिर तैयार होके जो निकलते थे तो पूरा दिन दिखते ही नहीं थे कि दिखते हो। अब तो खुशी मतलब महसूस ही नहीं होती है, चाहे अगर महंगा जोड़ा भी ले लो तो भी खुशी नहीं होती है। पर खैर हमने इस बार तो कुछ लिया भी नहीं है, एकदम सुकून वाली ईद है, बस सोना है और बस नई मेहनत। इस बार सोना क्या, मतलब हर बार का, अब तो बड़े हो गए, अब तो बस घर में जो है सोते रहते हैं। ये कभी जब छोटे थे टहलने के लिए जाते थे तो देखते थे कि मतलब औरतें क्या, मतलब लड़कियाँ जो हमसे बड़ी लड़कियाँ होती थी वो लड़कियाँ सो रही होती थी। हम कहते बताओ ईद है, ये तैयार होकर सो रही हैं। लेकिन आज बड़े होकर के समझ में आता है कि जो है मतलब कुछ खुशी नहीं होती दिल पर कि कोई तरह की खुशी हो। बस बच्चों की जो है वो बच्चों की ईद है, कुछ पता नहीं चला। इस बार रोजे रखे हैं तो ही पता चला है कि रमजान है, नहीं तो रमजान का भी कोई तरह की रौनक नहीं, कुछ पता नहीं चला कि कुछ पता चला। मेरा तो कुछ दिल ही नहीं करता काम करने का। देख नहीं रहे चाय रखी है, गिर जाएगी। ये तो कुछ दिल भी नहीं करता करने का काम, तो बस नमाज पढ़ते हैं उसके बाद सोते रहते हैं, हम नहीं उठते हैं, कुछ करते होते नहीं है। देखो मेरा मुर्गा अकेला बैठा है, काटने लगा है इनको बैठा।